आजकल स्ट्रीट डॉग यानी कि आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी न्यूज में देखी जा रही है। यहां तक कि पेट डॉग्स यानी पालतू कुत्तों के काटने की खबरें आ रही हैं और ये खबरें काफी डिस्टर्बिंग हैं। कुत्ते के काटने या फिर जानवर के काटने का एक्सपीरियंस किसी भी इंसान के लिए एक बहुत डरावना अनुभव हो सकता है। इस प्रकार की चोटें न केवल शारीरिक कष्ट देती है बल्कि इन्फेक्शन और गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है, जैसे कि रेबीज। सही समय पर और सही तरीके से प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड करने से इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं जानवर के काटने पर प्राथमिक उपचार यानी कि एनिमल बाइट की बात की फर्स्ट एड के बारे में जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी चोट या खरोच के बाद फर्स्ट एड बहुत जरूरी है और फर्स्ट एड की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी एनिमल ने जानवर ने कुत्ते ने काट लिया है, फिर चाहे वो आवारा कुत्ता हो या पालतू कुत्ता हो, तो आपको तुरंत फर्स्ट एड करना है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है घाव को तुरंत साफ करें, यानी सबसे पहले जानवर के काटने के स्थान को किसी नल के नीचे बहते हुए साफ पानी से धोएं। अगर उस समय आपके पास साबुन उपलब्ध हो तो आपको साबुन और पानी से घाव को अच्छी तरह साफ करना है। घाव को कम से कम 10-15 मिनट तक धोते रहें, इससे बैक्टीरिया और वायरस की संख्या कम हो जाएगी और इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। दूसरा स्टेप है किसी एंटीसेप्टिक का उपयोग करें, यानी घाव धोने के बाद उसे सुखा लें और फिर किसी भी ओवर द काउंटर एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम उस घाव पर लगाएं, जैसे कि डिटॉल, सेवलॉन। यह घाव को संक्रमण से बचाने में मदद करेगा। आपको ध्यान रखना है कि एंटीसेप्टिक का उपयोग करने से थोड़ी आपको जलन हो सकती है, लेकिन ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी स्टेप है। दोस्तों, अगला स्टेप है घाव पर पट्टी लगाना। एंटीसेप्टिक लगाने के बाद घाव को एक साफ पट्टी से ढक दें। पट्टी को ज्यादा कसा हुआ ना रखें ताकि ब्लड फ्लो बना रहे। तो उसे यदि घाव बड़ा है या गहरा है तो एक बांधने वाली पट्टी का आप उपयोग करें ताकि वह सुरक्षित रहे और धूल मिट्टी से बचा हुआ रहे। और अगर घाव छोटा है तो आप उस पर बैंडेड भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला जरूरी स्टेप है डॉक्टर से संपर्क करना। कुत्ते के काटने के बाद जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर घाव का निरीक्षण करेंगे, उसे एग्जामिन करेंगे और जरूरी ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर आपको रेबीज और टिटनेस का टीका लगाने की सलाह दे सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत जरूरी है। डॉग बाइट के बाद रेबीज टीकाकरण, रेबीज का वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि रेबीज एक घातक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों या रेबीड एनिमल्स के काटने से फैलती है। रेबीज का कोई दोस्तों इलाज नहीं है, इसलिए टीकाकरण द्वारा ही बीमारी को रोका जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यानी कि पीपी के तहत कई डोजेस में रेबीज का टीका दिया जाता है। यह टीका समय पर लेना आपके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है। रेबीज वैक्सीनेशन की डिटेल में जानकारी के लिए आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। दूसरा है दोस्तों टिटनेस का वैक्सीनेशन। एनिमल बाइट के बाद टिटनेस का टीका लगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि टिटनेस एक बहुत ही गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो गहरे घावों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। टिटनेस का टीका इस इन्फेक्शन से बचाव करने में सक्षम है। अगर पिछले 10 सालों में आपने टिटनेस का टीका नहीं लिया है तो डॉक्टर टिटनेस का टीका लगाने की सलाह आपको दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अपने बाइट वाले घाव का आपको ध्यान रखना है और घाव को नियमित रूप से साफ करना है और पट्टी भी आपको बदलनी है। अगर घाव की जगह पर दर्द या सूजन बढ़ने लगी है तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपको इन्फेक्शन के लक्षणों पर ध्यान देना है कि कहीं आपका जो घाव है वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया है। घाव के आसपास रेडनेस, सूजन, दर्द या मवाद आना संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं, इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। दोस्तों, अगली जरूरी बात है अपने पालतू जानवर का वैक्सीनेशन। अगर आपके पास पेट डॉग है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका रेबीज और दूसरी बीमारियों के लिए पूरा वैक्सीनेशन किया गया है। पेट एनिमल का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी आपको अपने पास रखना है और समय समय पर अपने एनिमल का चेकअप भी पशुओं के डॉक्टर यानी कि वेट डॉक्टर से करवाना है। जंगली और आवारा कुत्तों से आप अपनी दूरी बनाए रखें क्योंकि ये रेबीड एनिमल हो सकते हैं और उनसे रेबीज और अन्य बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। अपने बच्चों को भी इन जानवरों से दूर ही रखें आप।
किसी भी जानवर को, फिर चाहे वो आपका पेट हो, उन्हें आप बिना मतलब के ना छेड़ें, ना इरिटेट करें, क्योंकि याद रहे कि वे जानवर हैं। ये इरिटेट होकर आप पर हमला कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, एनिमल बाइट या फिर डॉग बाइट के बाद फर्स्ट एड करना कितना जरूरी है और ये कितना आसान है। तो अगली बार अगर आपको या आपके सामने किसी को भी कोई जानवर काट ले, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखकर आप अपना रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कब टिटनेस का टीका लगवाना जरूरी होता है और इससे हमें कब कब लगवाया जाता है, तो आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और जरूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल डायरेक्ट हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।